गाइज इस तरह के सेंटेंस हम हर रोज 100 से ज्यादा बार बोलते होंगे। मैं सोऊं या ना सोऊं तुम्हें क्या, मैं खाऊं या ना खाऊं तुम्हें क्या, मैं उससे बात करूं या ना करूं तुम्हें क्या। तो इस टाइप की सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे, अगर नहीं जानते तो डोंट वरी मैं बताता हूं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही एडवांस स्ट्रक्चर्स आपको हर रोज सीखने को मिलते रहें। देखिए इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए हम ये स्ट्रक्चर यूज करेंगे। सबसे पहले आपको वेदर का यूज करना है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर और नॉट का यूज करना है, फिर उसके बाद वो सेंटेंस जो सेंटेंस एंड में बोलना है। ओके एग्जांपल देखने के बाद आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखो मैं चाहे सोऊं या ना सोऊं तुम्हें क्या, वेदर आई स्लीप और नॉट व्हाट डज इट मैटर टू यू, मैं चाहे उससे बात करूं या ना करूं तुम्हें क्या, वेदर आई टॉक टू हर और नॉट व्हाट डज इट मैटर टू यू, मैं चाहे ये सोचूं या ना सोचूं उसे जरूर सोचना चाहिए, वेदर आई थिंक और नॉट ही मस्ट थिंक। अभी सेंटेंस आपके लिए, मैं चाहे खाऊं या ना खाऊं तुम्हें क्या। गाइज हम अपनी डेली कन्वर्सेशन में इस तरह के सेंटेंस हमेशा बोलते ही रहते हैं, यही तो मैं चाहता हूँ, यही तो मैं करना चाहता हूँ, यही तो वो सुनना चाहता है, यही तो वो कहना चाहती थी। तो गाइज इस टाइप के सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे, देखिए अगर ऐसा एक्सप्रेशन आप देना चाहते हैं कि यही तो, यानी यही तो मैं, यही तो वो, यही तो ये, तो यही तो के लिए हम क्या यूज करेंगे, इसके लिए आप यूज करेंगे दैट इज वॉट। क्या यूज करेंगे, दैट इज वॉट। अब एग्जाम्पल देखते हैं बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यही तो मैं चाहता हूँ, दैट इज वॉट आई वॉन्ट, दैट इज वॉट आई वॉन्ट। यही तो मैं कहना चाहता था, दैट इज वॉट आई वॉन्टेड टू से। यही तो तुम सुनना चाहते हो, दैट इज वॉट यू वॉन्ट टू लिसन। यही तो वो करना चाहती है, दैट इज वॉट शी वॉन्ट्स टू डू। गाइज ये सेंटेंस आपके लिए, यही तो पापा मुझसे चाहते हैं। कॉमेंट योर आंसर इन कॉमेंट बॉक्स। तुम कहते हो मैं पढ़ाई करूंगा और दूसरी तरफ तुम स्कूल जाना ही नहीं चाहते। वह कहता है वह मेरे साथ है और दूसरी तरफ वो मेरे काम को रिजेक्ट करता है। पापा कहते हैं कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और दूसरी तरफ वो मुझे डांटते रहते हैं। तो गाइज इस टाइप के सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे, जब भी आपको ऐसा एक्सप्रेशन देना है और दूसरी तरफ, तो इसके लिए आप इंग्लिश यूज करेंगे ऑन द अदर हैंड। क्या यूज करेंगे, ऑन द अदर हैंड। आइए आप एग्जाम्पल लेकर के इसको बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं। तुम कहते हो कि तुम पढ़ाई करोगे और दूसरी तरफ अब तुम स्कूल जाना नहीं चाहते। यू से दैट यू विल स्टडी एंड ऑन द अदर हैंड यू डोंट वॉन्ट टू गो टू स्कूल नाउ। वह कहता है कि वह मेरे साथ है और दूसरी तरफ वो मेरा हर काम रिजेक्ट करता है। He says that he is with me and on the other hand he rejects my every work. अब ये sentence आपके लिए, पापा कहते हैं वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और दूसरी तरफ वो मुझे डांटते ही रहते हैं। Guys अक्सर हम इस तरह के सेंटेंस अपने डेली कन्वर्सेशन में बोलते हैं। उसे तुम्हारे इरादों की भनक लग गई है, मुझे कल उसके इरादों की भनक लग गई। अगर राम को तुम्हारे इरादों की भनक लग गई तो। तो गाइज इस टाइप की सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे, देखिए जब भी हिंदी के सेंटेंस में ऐसा एक्सप्रेशन आए कि एहसास होना या फिर भनक लगना, तो आपको वहां पर एक फ्रेज यूज करना है, गेट अ विफ ऑफ। क्या, गेट अ विफ ऑफ। अब एग्जांपल देखिए, उसे तुम्हारे इरादों की भनक लग गई है, ही हैज गॉट अ विफ ऑफ योर इंटेंशंस। आपको टेंस का यहाँ पे खास ख्याल रखना है, हैज गॉट यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है। तो टेंस के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म भी चेंज करते रहना है। अगर राम को तुम्हारे इरादों की भनक लग गई तो, इफ राम गेट्स अ विफ ऑफ योर इंटेंशंस देन। गाइस ये सेंटेंस आपके लिए, पापा को अगर भनक लगी तो तुम्हारा क्या होगा, कॉमेंट योर आंसर इन कॉमेंट बॉक्स। ये तो तुम्हारा रोज रोज का काम है, ये तो पापा का रोज रोज का काम है, ये मेरा रोज रोज का काम है। गाइज हम डेली कन्वर्सेशन में इस तरह के सेंटेंस यूज करते रहते हैं। जैसे पड़ोस में अगर उनकी रोज लड़ाई होती है तो हम ये कह देते हैं ना कि इनका तो ये रोज रोज का काम है। गाइज ये रोज रोज का काम है, इसके लिए आप क्या इंग्लिश यूज करेंगे, इसके लिए हम एक फ्रेज यूज करते हैं, एवरी डे स्टोरी। क्या यूज करते हैं, एवरी डे स्टोरी। ओके चलिए आप एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं कि इसको कैसे यूज किया जाए। एग्जाम्पल है, ये तो तुम्हारा रोज रोज का काम है, इट इज योर एवरी डे स्टोरी। ये तो पापा का रोज रोज का काम है, इट इज डैड्स एवरी डे स्टोरी। ये तो रोज रोज का है, अक्सर हम ऐसे बोलते नहीं है, ये तो रोज रोज का है। तो इसको ऐसे बनाएंगे, इट्स एवरी डे स्टोरी। गाइज अब एक सेंटेंस आपके लिए, ये तो उन दोनों का रोज रोज का काम है, कॉमेंट योर आंसर इन कॉमेंट बॉक्स। गाइज अक्सर हम डेली कन्वर्सेशन में इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं, अपने हिसाब से सोचना, अपने हिसाब से कर लो, अपने हिसाब से आना,
तो इस टाइप की सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे? देखिए, इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर का यूज करना है। वो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आपको वर्ब लगाना है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, कोई भी चीज हो सकती है वहां पे, फिर उसके बाद लगाना है अकॉर्डिंग टू यू। अब एग्जाम्पल देखो, अपने हिसाब से सोचना, थिंक इट अकॉर्डिंग टू यू। यहाँ पे दैट का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम दोनों का यूज कर क्यों रहे हैं? हिंदी के सेंटेंस में तो कुछ ऐसा नहीं आया, लेकिन आप सोचो जरा कि किसी ना किसी चीज के बारे में ही तो सोचा जाएगा, इसलिए हमने इट या दैट का यूज किया। नेक्स्ट, अपने हिसाब से कर लो, डू इट अकॉर्डिंग टू यू। यह मेरे हिसाब से करना, डू इट अकॉर्डिंग टू मी। गाइज, अब एक सेंटेंस आप बनाइए, अपने हिसाब से चले जाना। कॉमेंट योर आंसर इन कॉमेंट बॉक्स। गाइज, हम अपने डेली कन्वर्सेशन में इस तरह के सेंटेंस यूज करते रहते हैं। उसने एक भी शब्द नहीं बोला, मैंने एक भी पैसा खर्च नहीं किया, मैंने उसको एक उंगली भी नहीं लगाई। तो गाइज, इस टाइप के सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे? देखिए, हिंदी के वाक्यों में जब भी ऐसा एक्सप्रेशन आए, एक भी नहीं, तो इसके लिए आपको इंग्लिश यूज करनी है नॉट अ सिंगल। क्या यूज करना है? नॉट अ सिंगल। एग्जाम्पल देखिए, उसने एक भी शब्द नहीं बोला, ही स्पोक नॉट अ सिंगल वर्ड। मैंने एक भी पैसा खर्च नहीं किया, आई स्पेंट नॉट अ सिंगल पैनी। पैनी मतलब पैसा। मैंने उसको एक उंगली भी नहीं लगाई, आई टच्ड हर नॉट अ सिंगल फिंगर। तुमने एक भी अक्षर नहीं लिखा, यू रोट नॉट अ सिंगल लेटर। गाइज, अब एक सेंटेंस आपके लिए, उसने एक भी फोन नहीं किया। कॉमेंट योर आंसर इन कॉमेंट बॉक्स। गाइज, अक्सर हम डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस जरूर बोलते रहते हैं, तुम्हारे चक्कर में मैं काम नहीं कर पाया, तुम्हारे चक्कर में मैं आज रात सो नहीं पाया, तुम्हारे चक्कर में मैं खाना अधूरा छोड़ आया। तो गाइज, इस टाइप के सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे? देखिए, इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर का यूज करना है। ध्यान रहे, हिंदी के सेंटेंस में आपको ये एक्सप्रेशन जरूर मिलेगा, तुम्हारे चक्कर में मैं ये नहीं कर पाया, यानी तुम्हारे चक्कर में। तो इसके लिए एक एडवांस स्ट्रक्चर यूज करते हैं। वो क्या है? सबसे पहले आपको वो सेंटेंस लगा देना है, नॉर्मली जो सेंटेंस होता है, उसके बाद आपको बिकॉज ऑफ यू लगाना है, बिकॉज ऑफ यू। अब एग्जाम्पल देखिए, तुम्हारे चक्कर में मैं अपना काम नहीं कर पाया, आई कुडंट डू माई वर्क बिकॉज ऑफ यू। तुम्हारे चक्कर में मैं आज रात सो नहीं पाया, आई कुडंट स्लीप tonight बिकॉज ऑफ यू। गाइज, अभी सेंटेंस आपके लिए, तुम्हारे चक्कर में मैं खाना अधूरा छोड़ाया। कॉमेंट योर आंसर इन कॉमेंट बॉक्स। गाइज, ये सेंटेंस देखो, तुम मेरी हर बात को हंसकर क्यों टाल देते हो? तुम हर बात को हंसकर टाला करो, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। मैंने उसको बहुत जरूरी बात बताई, लेकिन उसने हंसकर टाल दी। तो गाइज, हमें इस टाइप के सेंटेंस बनाने के लिए हमें एक एडवांस स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट नहीं देखी है एडवांस स्ट्रक्चर्स की, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से चेक कर सकते हैं। सारे एडवांस स्ट्रक्चर्स सीखिए, बिना एडवांस स्ट्रक्चर्स के आप इंग्लिश स्पीकिंग कर ही नहीं सकते। देखिए, जब भी हिंदी के सेंटेंस में ऐसा एक्सप्रेशन आए हंसकर टाल देना, तो उसके लिए आप इंग्लिश यूज करेंगे पुट ऑफ बाय लाफिंग। जी हाँ, पुट ऑफ बाय लाफिंग। अब देखिए एग्जाम्पल, तुम मेरी हर बात को हंसकर क्यों टाल देते हो? Why do you put off my every point by laughing? तुम हर बात को हंसकर टाला करो, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। You put off everything by laughing, it's good for you. अब ये आपके लिए, मैंने उसे बहुत जरूरी बात बताई, लेकिन उसने हंसकर टाल दी। कॉमेंट योर आंसर इन कॉमेंट बॉक्स। वह काफी अच्छा गा लेती है, तुम काफी अच्छा पेंटिंग कर लेते हो, वह काफी अच्छा खाना पका लेती है। तो गाइज, इस टाइप के सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे? देखिए, जब भी आपको ऐसा एक्सप्रेशन देना है काफी अच्छा, तो काफी अच्छे के लिए आप क्या इंग्लिश यूज करेंगे? आप यूज करेंगे वेल इनफ। क्या यूज करेंगे? वेल इनफ। आइए एग्जांपल देखते हैं। वह काफी अच्छा गा लेती है, शी सिंग्स वेल इनफ। तुम काफी अच्छा नाच लेती हो, यू डांस वेल इनफ। तुम काफी अच्छी पेंटिंग कर लेते हो, यू पेंट वेल इनफ। वह काफी अच्छा खाना बना लेती है, शी कुक्स वेल इनफ। तुम काफी अच्छी बातें कर लेते हो, यू टॉक वेल इनफ। ओके, आई थिंक आप समझ गए होगे। अब एक सेंटेंस आप बनाइए, वह काफी अच्छी गाड़ी चला लेता है। कमेंट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी और एडवांस इंग्लिश आपको रोज रोज मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।